आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस रोकने का यह मामला है। 28 साल बाद आया है फैसला इस पर। सांसद राजकुमार चाहर, विधायक योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य आरोपियों को उसमें बरी कर दिया गया है। 2 जनवरी 1993 को भाजपाइयों ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री माधवराव सिंधिया का विरोध किया था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर भाजपाइयों के खिलाफ बलवा और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नितिन उपाध्याय से इस पर अपडेट लेते हैं। नितिन, बताइएगा क्या जानकारी है आपके पास? एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज है उमाकांत जिंदल ने संदेह के लाभ देते हुए भाजपाइयों को बरी कर दिया है। दरअसल 1993 का यह मामला है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे ग्वालियर के रहने वाले माधवराव सिंधिया, और यहां से होकर वो ग्वालियर गुजर रहे थे दिल्ली से होते हुए आगरा के रास्ते, और उस समय उनका घेराव किया गया था और उस समय रेलवे ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे और उन मुकदमों के उनमें बलवा और रेलवे एक्ट के तहत रेल रोको का जो पूरी तरह से भाजपाइयों ने प्रयास किया था उसमें उस समय बिल्कुल युवा नेता थे जिस समय सांसद हैं फतेहपुर सीकरी, राजकुमार चाहर, योगेंद्र उपाध्याय जो विधायक हैं इस समय, और अन्य आरोपियों को नामजद किया गया था और 28 साल बाद अब जो फैसला आया है उसमें इनको संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। कुल मिला के आगरा के जो भाजपा की यूनिट है उसके लिए एक बड़ी कहा जाए राहत की खबर है, संतोष की खबर है कि उनको कोर्ट से इस बलवे और अन्य जो रेल रोको का जो अभियान चलाया था, जो प्रदर्शन किया, उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें बरी कर दिया गया। शुक्रिया नितिन, अहम जानकारी के लिए।